Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 22nd of February 2023. 22 फरवरी 2023 के important article and editorial को discuss करेंगे. So video बहुत ज़्यादा important है, especially to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल को. कल के दिन हमारे इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धि को हासिल किया है, दैट इज़ इंडिया एंड सिंगापुर लिंक पेमेंट सर्विसेज. इंडिया का UPI और सिंगापुर का पे नाउ, नाउ दे वर ऑफिशियली कनेक्टेड ऑन ट्यूसडे, अलाउइंग फॉर अ रियल टाइम पेमेंट लिंकेज. अब इससे बेनिफिट क्या होगा? दिस विल हेल्प द इंडियंस डिस्पोरा इन सिंगापुर, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर स्टूडेंट, एंड ब्रिंग द बेनिफिट ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड फिनटेक टू कॉमन मैन थ्रू इंस्टेंटेनियस एंड लो कॉस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये जो इंडियन डिस्पोरा रह रहे हैं सिंगापुर में, ठीक है, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो स्टूडेंट्स हो, उनको क्या होगा? उनको बेनिफिट्स मिलेगा डिजिटलाइजेशन का. ठीक है, वो जो अपनी मनी है उसको जो ट्रांसफर करते थे फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, अब ये लो कॉस्ट में वो कर पाएंगे. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे इज द स्पेशल डे फॉर इंडिया सिंगापुर फ्रेंडशिप एंड फॉर आर एफर्ट्स टू डिपेंड कॉलेबरेशन इन फिनटेक एंड इनोवेशन. द पार्टनरशिप द पार्टिशन ऑफ माई फ्रेंड्स PM Leo Singh Long made this even more special. The linkage is set to is financial transaction for Indian diaspora. ठीक है, तो इस लिंकेज से क्या होगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री विथ विच क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी हैव बिन लॉन्च. ठीक है, तो सिंगापुर बन गया पहला कंट्री जहाँ पर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटीज यहाँ पर लॉन्च होती हुई आपको देखने को मिली. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. स्ट्रे डॉग्स स्प्रेड फियर अगेन एज अ पैक ऑफ फोर मॉल बॉयज टू डेथ्स इन हैदराबाद. हैदराबाद में एक हॉरिफिक इंसिडेंट कॉट हुआ है कैमरा में, जहां पर चार डॉग्स ने मिलकर एक बच्चे की जान ले ली जिसका नाम था प्रदीप. ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट कॉट हुए हैं इससे पहले भी. डॉग बाइट्स के केसेस हमें बहुत पहले से ही देखने को मिल रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ सोचने की जरूरत है. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको नॉलेज के लिए बताना था. सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, राजस्थान्स एग्री टेक मिशन टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन. ठीक है, मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो राजस्थान की टेक्नोलॉजी मिशन है, ठीक है, द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेपरेट एग्रीकल्चर बजट. ठीक है, तो राजस्थान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट लेके आया, एक सेपरेट एग्रीकल्चर बजट लेके आया, प्रेजेंटेड बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ऑन 10th of February फॉर द सेकेंड सक्सेसिव ईयर, इज सेट टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन इन राजस्थान विद अ प्रोविजन्स फॉर सब्सिडरी ऑन द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स. ठीक है, आप जो भी फार्म जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदेंगे उसके ऊपर यहाँ पर सब्सिडीज आपको मिलेंगी. उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजन्स लेके आए हैं राजस्थान के चीफ मिस्टर अशोक गहलोत. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओवर 43,300 फार्मर्स इन द स्टेट हैव ऑलरेडी बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम्स. ठीक है, लगभग 43,300 से भी ज्यादा फार्मर्स इन द स्टेट ऑलरेडी इस स्कीम का बेनिफिट ले चुके हैं. वाइल दिस ईयर्स बजट हैज मेड अ प्रोविजन फॉर सब्सिडरी ऑफ 250 करोड़ टू 1 लाख फार्मर्स ऑन अ परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स. ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर लगभग जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, लगभग कितनी सब्सिडीज की बात की गई, 250 करोड़ सब्सिडीज की बात की गई है टू 1 लाख फार्मर्स ऑन द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट. 91.44 करोड़ वॉज पेड एज अ सब्सिडीज टू एग्रीकल्चरलिस्ट अंडर मिशन मोड ओवर द लास्ट 4 ईयर. ठीक है, तो पिछले 4 साल की अगर बात करूँ तो 91.44 करोड़ यहाँ पर दिया जा चुका है एज अ सब्सिडी के तौर पर टू द एग्रीकल्चरलिस्ट. ओके, अंडर द मिशन द financial support has provided significant assistance for task related to plugging, sowing of seed, irrigation of lands and harvesting of crops. ठीक है, तो इससे एक बहुत ज़्यादा जो farmers हैं उनको एक बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी plugging में, sowing of seeds में, irrigation of lands में and harvesting of crops में. ठीक है,
एग्री टेक जो मिशन है इट इनविसेज सब्सिडीज ऑन परचेज ऑफ हैंड ऑपरेटेड पावर ऑपरेटेड ट्रैक्टर ऑपरेटेड एंड ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो जो भी इक्विपमेंट्स आप खरीदेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो हैंड ऑपरेटेड हो, पावर ऑपरेटेड हो, ट्रैक्टर ऑपरेटेड हो या फिर ऑटोमेटिक इक्विपमेंट हो, उस पर आपको क्या मिलेगी, सब्सिडीज मिलेगी, ठीक है। इन एडिशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चरलिस्ट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एंड वुमेन्स फार्मर्स हैव बिन गिविंग प्रेफरेंस इन दिस इनिशिएटिव, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव में जो आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है उनके जो फार्मर्स है वुमेन फार्मर्स है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसरो अनाउंस अपॉर्चुनिटीज टू एनालाइज एस्ट्रोसैट, जो कि इंडिया का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन था, ठीक है। नाउ इसरो ने जो रिसर्चर्स है साइंटिस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी उनको दिया है कि वो डाटा को एनालाइज कर सकते हैं अब, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, और उनको सबसे ज़्यादा दिया है जो कि इंडियंस है, जो कि रेसिडेंट्स टू इंडिया है, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन रिसर्चर्स को हु आर रिसाइडिंग एंड वर्किंग एट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज इन इंडिया फॉर 55% ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो 55% का उनको दिया है, और जो नॉन इंडियन साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स हैं, एनआरआईज है, वर्किंग एट स्पेस एजेंसीज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज अराउंड द ग्लोब्स फॉर 20% टाइम्स, ठीक है। द एओ That is announcement of opportunity is open for scientists and researchers, ठीक है। तो ये एक्चुअली ओपन है किसके लिए, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स हु आर इन्वॉल्व इन रिसर्च इन द एरिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इन द एरिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड हु आर इक्विप्ड टू सबमिट प्रपोजल एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट ऑब्जर्वेशन विथ नेसेसरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल जस्टिफिकेशन एंड दोज हु कैन एनालाइज द डाटा इफ द टारगेट इज ऑब्जर्व बेस्ड ऑन अप्रूवल, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। जो एनआरआईज हैं, जो एनआरआईज में जो रह रहे हैं साइंटिस्ट रिसर्चर्स, उनके लिए 20% टाइम्स यहाँ पर किया गया, और जो यहाँ पर इंडिया में जो रह रहे हैं उनके लिए कितना, 55% टाइम्स, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये सारी चीजें, ओके। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्क्रूटनाइज वल्चर सर्वे इन फैब, ठीक है। तो फैब के मंथ में आपको पहला स्क्रूटनाइज वल्चर सर्वे यहाँ पर होता हुआ आपको दिखेगा। पहले क्या होता था, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका तीनों अलग अलग यहाँ पर वल्चर की सर्वे करते थे, लेकिन ये पहला स्क्रूटनाइज वल्चर सर्वे होगा। मतलब कि स्क्रूटनाइज का मतलब होता है कि ये तीनों मिलकर एक साथ करेंगे अब, ठीक है, तीनों मिलकर एक साथ करेंगे ताकि जो डुप्लीकेशन होती थी उसको यहाँ पर रिमूव किया जा सके, ठीक है, डुप्लीकेशन को यहाँ पर अवॉइड किया जा सके, ओके। आर्टिकल को समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। द केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट विथ इट्स काउंटर पार्ट्स इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका इज प्रिपेरिंग टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्क्रूटनाइज वल्चर सर्वे इन सिलेक्टेड रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट ऑन February 24th, 25th, or 26th, ठीक है। तो तीन दिन ये चलेगा, 24, 25 और 26 को, ठीक है। ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका की गवर्नमेंट मिलकर ये कराने वाली है, ठीक है। एवरी ईयर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स इन द थ्री स्टेट वे आर ऑर्गेनाइजिंग सेपरेट सर्वे एट द डिफरेंट टाइम टू काउंट द रिमेनिंग वल्चर पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर साल क्या होता था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तीनों स्टेट के, वो अलग अलग ऑर्गेनाइज कराते थे सर्वे, ठीक है, अलग अलग टाइम पे वो ऑर्गेनाइज कराते थे ताकि वो जो वल्चर की पॉपुलेशन है उसको साउथ इंडिया में यहाँ पर उसको काउंट कर सके। लेकिन ये इससे क्या होता था, एक डुप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलता था, और इस सर्वे जो यहाँ पर स्क्रूटनाइज जो सर्वे यहाँ पर वल्चर सर्वे कराने की बात की गई है बाय द ट्रायो, यहाँ पर एक्चुअली किस चीज़ को हटाने के लिए, डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है। द सर्वे वुड साइमल्टेनियसली बी ऑर्गेनाइज इन थ्री फॉरेस्ट डिवीजन, ठीक है, तीन फॉरेस्ट डिवीजन में एक्चुअली इसको किया जाएगा, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा साउथ एंड नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर डिवाइडिंग द वायनाड लैंडस्केप, ठीक है। तो ये वायनाड लैंडस्केप को यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर इसको कंडक्ट कराया जाएगा। वेयर द बर्ड स्पीसीज आर फ्रिक्वेंटली साइटेड इन टू 10 locations, ईच ऑफ द लोकेशंस विल बी मॉनिटर्ड बाई 5-member team, ठीक है। तो 10 locations में डिवाइड किया जाएगा, हर लोकेशन में यहाँ पर हर लोकेशन को मॉनिटर किया जाएगा 5-member team के द्वारा। कंप्राइजिंग अ वल्चर एक्सपर्ट, अ फॉरेस्ट बीट ऑफिसर, वन और टू वॉलंटियर्स
एंड अ फॉरेस्ट वॉचर, ठीक है। तो इसमें ये जो टीम है उसमें ये एक वल्चर एक्सपर्ट होंगे, एक यहाँ पर फॉरेस्ट बीट ऑफिसर होंगे, एक या दो यहाँ पर वॉलंटियर्स होंगे और एक फॉरेस्ट वॉचर होगा, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द सेंचुरी हार्बर्स नियरली 120 to 150 वाइट रम्प्ड वल्चर्स एंड लेस देन 25 रेड हेडेड वल्चर्स, ठीक है। तो इस सेंचुरी में आपको लगभग 120 से 150 के आसपास आपको वाइट रम्प्ड यहाँ पर वल्चर्स देखने को मिलेंगे और लेस देन 25 रेड हेडेड वल्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है एक्चुअली ये डिक्लाइन करती हुई हमें देखने को मिली है, कब से? 2000 से, ठीक है। 2000 से यहां पर आपको डिक्लाइन करते हुए देखने को मिलेगी मिली है, जब से यहां पर ये जो एक ड्रग्स डिक्लोफेनाक जो कि यूज किया जाता है एज अ पेन किलर फॉर कैटल्स, वो यहां पर जब से आता हुआ दिखा उसके बाद से यहां पर वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो यहां से डिक्लाइन करती हुई आपको देखने को मिली। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ये पहला ऐसा सर्वे होगा जो कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका की गवर्नमेंट तीनों मिलकर एक साथ करेंगे। इससे पहले अलग अलग होता था और उससे क्या होता था, डुप्लीकेशन टाइप का चीजें देखने को मिलती थी। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। बजट के रिगार्डिंग मैं एक न्यू अलग से आपको वीडियो लेके आऊंगा बजट पे, उस पर हम सारी चीजें बजट की डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। टर्न ऑफ द टैप ऑफ अर्बन बायस इन रूरल डेवलपमेंट्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर अर्बन एंड रूरल की डेवलपमेंट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। अर्बन को रूरल से कंपेयर कर दिया जा रहा है, कभी कभी रूरल्स को अर्बन से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन बोथ द एरियाज एंड बोथ द डेवलपमेंट्स आर एज डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट है, कुछ डाटाज हम यहाँ पर बताते हैं जिससे आप देख सकते हैं, ठीक है। जो डाटा एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए गए ना, इस आर्टिकल में एक्चुअली यही बताया गया है कि जो डाटा एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया है दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, ठीक है, वो एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। आप अर्बन को रूरल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, रूरल का जो डेवलपमेंट है उसको अर्बन से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर एक जल जीवन मिशन के बारे में बात किया गया, जल जीवन मिशन जो कि अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, वन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स विच एम टू प्रोवाइड एक्सेस टू सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर टू हाउसहोल्ड इन रूरल एरियाज बाई 2024। 2024 से पहले हर एक घर में नल होगा, ठीक है, हर एक घर में वाटर होगा, एडुकेट सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई थी विद द जल जीवन मिशन जो कि लॉन्च हुआ था अगस्त 2019 में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे वुमेन की सेफ्टी, वुमेन की सिक्योरिटी, गर्ल्स चिल्ड्रन की सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है, ठीक है। जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिक्स्थ गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ये यहाँ पर आपकी एबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, यहाँ पर ऑथर ने इसको हाईलाइट किया है कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी अदर चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो एक्चुअल डाटा वो यहां पर बताए गए हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी भी कवरेज नहीं किया गया है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर 100% भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये यहां पर एक्चुअली डिफरेंसेस बताए गए हैं। तो एक्चुअली यहां पर बताया गया है कि जब किया जा रहा है तो सबके लिए एक साथ हो, लेकिन हालांकि एक टाइम पे सेम टाइम पे हर सभी के लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग सोचने की जरूरत है। ऑथर के द्वारा यह कहा गया है कि जो परसेंटेज है एडिशनल टैप वाटर का इन कनेक्शन इन रूरल एरिया of district provided by the government between 2019-22 was found to be significantly associated with the percentage of urban population in the district concerned, ठीक है। so यहाँ पर कुछ urban जो population है उसमें आपको यहाँ पर decline होता हुआ आपको देखने को मिला है एज पर कंपेयर टू रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो डिक्लाइन है कुछ अदर चीज़ों की वजह से देखो, व्हेन इट्स कम्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु तो अर्बन का जो शेयर है वो कितना है, 48.4% एज कम्पेयर टू 31.2 इन इंडिया सेंसस। 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु की जो अर्बन जो पॉपुलेशन थी वो 31.2 के आसपास थी, लेकिन अब यहाँ पर जो अर्बन जो प्रेजेंटली है 48.4 है। तो बट द डिस्ट्रिक्ट विद लो अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज आर लैगिंग इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर लो अर्बन पॉपुलेशन है दे आर लैगिंग इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भी हमें फोकस करने की जरूरत है, ये ऑथर ने कहा है। ओके, और नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल, कुछ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अर्बन और रूरल एरियाज के जो डेवलपमेंट है उसको एक साथ कंपेयर ना करें, ठीक है। वो दोनों अलग अलग हैं, वो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है ऑथर के द्वारा। और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अभी भी यहाँ पर जल जीवन मिशन को यहाँ पर उनके उनके पास जल जीवन मिशन अभी तक आया नहीं, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उस डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया जाए, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। ओके, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नाउ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट एंड हाउ दे फैसिलिटेट ट्रेड, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वॉस्ट्रो अकाउंट मैं पहले भी बताया हूँ, आज भी बताऊंगा, आया है तो बताऊंगा। ओके, लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड दैट रशियन बैंक्स
एंड इंक्लूडिंग रॉस बैंक, ठीक है, टिस्कोफ बैंक, सेंट्रो क्रेडिट बैंक, क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को हैव ओपन स्पेशल रुपीज वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। नाउ ये अगले पिछले वीक क्या हुआ, गवर्नमेंट्स, ठीक है, लगभग 20 रशियन बैंक जो कि रॉस बैंक, टिस्को बैंक है, क्रेडिट आपको सेंट्रो क्रेडिट बैंक है, क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को, इन्होंने क्या किया, स्पेशल रुपीज वॉस्ट्रो अकाउंट यहाँ पर खोला इन पार्टनर बैंक विथ इंडिया, ठीक है। ऑल मेजर डोमेस्टिक बैंक हैव लिस्टेड दियर नोडल ऑफिसर टू सॉर्ट आउट इशूज फेस्ड बाई एक्सपोर्टर अंडर अरेंजमेंट। नाउ ये SRVA अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, SRVA हम समझेंगे स्पेशल रुपीज वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट होता क्या है, एक ऐसा अकाउंट डैट डोमेस्टिक बैंक होल्ड फॉर फॉरेन बैंक, ठीक है। तो एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर जो आपकी डोमेस्टिक बैंक है वो आपकी फॉरेन बैंक के लिए उसको होल्ड करके रखती है इन फॉर्मर डोमेस्टिक करेंसी इन केस ऑफ रुपीस, ठीक है। डोमेस्टिक बैंक उसको यूज करती है टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस टू दियर क्लाइंट हु हैव ग्लोबल बैंकिंग नीड्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक बैंक उस चीज को होल्ड करके रखती है ताकि जो भी ग्लोबल बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी उसको क्लाइंट को, तो उसको इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में आ गया होगा कि वॉस्ट्रो अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जहां पर डोमेस्टिक बैंक आपकी जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन बैंक्स है, उसको होल्ड करके रखता है ताकि आपको बाद में वो आपको देगा, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ इट फंक्शन, हाउ डज इट फंक्शन, यहां पर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताए गए हैं इसके, वो हम डिस्कस करेंगे, इनवॉइसिंग, एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज रेट एंड सेटलमेंट्स, ठीक है। तो इनवॉइसिंग क्या होता है, ऑल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मस्ट बी डिनोमिनेटेड एंड इनवॉइस्ड इन इंडियन नेशनल रुपीज, ठीक है। तो जो भी आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो यहाँ पर किसमें डिमोनाइट और इन्वॉइस होने चाहिए, इंडियन नेशनल रुपीज में। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज वुड बी मार्केट डिटरमाइंड, ठीक है। तो जो एक्सचेंज रेट होता है बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज वो मार्केट डिटरमाइंड होता है, ठीक है। टू कंक्लूड फाइनल सेटलमेंट ऑल्सो टेक प्लेस इन इंडियन नेशनल रुपीज, ठीक है। तो जो फाइनल सेटलमेंट्स होता है वो किसमें होता है, इंडियन नेशनल रुपीज में होता है। द ऑथराइज डोमेस्टिक डीलर बैंक्स, ठीक है, जो ऑथराइज डोमेस्टिक डीलर बैंक्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू ओपन SRVA अकाउंट, ठीक है। तो उनको SRVA अकाउंट खोलने की जरूरत है फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग बैंक्स ऑफ द पार्टनर्स ट्रेडिंग कंट्री, ठीक है। डोमेस्टिक इंपोर्टर आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन टू SRVA अकाउंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अगेंस्ट द इनवॉइस ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द ओवरसीज सेलर्स एंड सप्लायर्स, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक इंपोर्टर है उनको किस में पेमेंट करने की जरूरत है, SRVA अकाउंट में पेमेंट करने की जरूरत है। सिमिलरली डोमेस्टिक जो एक्सपोर्टर होते हैं that are to be paid the export proceed from the balance in designated accounts of the correspondent banks of the partners country, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर vice versa भी होगा, ओके। वॉट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द बैंक, अब इसमें बैंक्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बैंक्स फ्रॉम द पार्टनर कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अप्रोच एन ऑथराइज डोमेस्टिक डीलर बैंक फॉर ओपनिंग ऑफ SRVA अकाउंट्स, ठीक है। ऐसे बैंक्स से हमें कॉन्टैक्ट करना होगा जो कि देखिए बैंक्स फ्रॉम जो पार्टनर्स कंट्रीज हैं एक्चुअली क्या होंगे, वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर अप्रोच करेंगे कि हमें SRVA की अकाउंट को खोलना है, ठीक है। नाउ डोमेस्टिक जो बैंक्स होंगी वो क्या करेंगी, अपेक्स बैंकिंग से यहाँ पर अप्रूवल लेंगी, ठीक है, जो अपेक्स बैंक है वही उससे अप्रूवल लेंगी एंड उसके लिए यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। नाउ इट इज़ द प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिक बैंक टू इंश्योर दैट कॉरस्पॉन्डिंग जो बैंक है इट्स नॉट अ कंट्री फ्रॉम जो कि FATF की लिस्ट में मेंशन है, जैसे कि पाकिस्तान अभी तो हट चुका, पहले था, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए पाकिस्तान अभी मान लीजिए FATF में है, फिर से मारना डाल देते हैं पाकिस्तान पे FATF में, ठीक है। तो अब मान लीजिए पाकिस्तान यहाँ पर खोलना चाहता है तो पाकिस्तान नहीं खोल पाएगा क्योंकि पाकिस्तान किस लिस्ट में है, FATF की, यहाँ FATF की लिस्ट में है, ठीक है। तो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, FATF की ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, तो ये उसकी वजह से यहाँ पर नहीं खोल पाएगा। तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक इस चीज को इंश्योर करे, ठीक है, ओके। सो पब्लिक स्टेटमेंट ऑन हाई रिस्क एंड नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिस्डिक्शन बैंक डोमेस्टिक बैंक मस्ट ऑल्सो पुट फॉर्थ फॉर पर्सनल फाइनेंशियल पैरामीटर पर्टेनिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग बैंक, ठीक है। तो डोमेस्टिक बैंक है इट ऑल्सो पुट फॉर्थ, ठीक है, उनको यहाँ इसमें भी नॉलेज में डालने की जरूरत है, ठीक, कॉन्सिडरेशन के लिए फॉर परसुइंग एंड फाइनेंशियल पैरामीटर पर्टेनिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग बैंक। ऑथराइज बैंक कैन ओपन मल्टीपल SRVA अकाउंट फॉर डिफरेंट बैंक फ्रॉम द सेम कंट्री, जो ऑथराइज बैंक है वो
मल्टीपल SRV अकाउंट खोल सकते हैं फॉर डिफरेंट बैंक फ्रॉम द सेम कंट्री, उसी कंट्री से वो मल्टीपल अकाउंट्स SRV अकाउंट खोल सकते हैं. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. यहाँ पर एक्चुअली वॉज वॉट इज इट पर्पज, पर्पज यहाँ पर बताया गया है कि जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2022-23 का, ठीक है, इट हैज आर्ग्यूड डैट फ्रेमवर्क कुड लार्जली रिड्यूस द नेट डिमांड ऑफ फॉरन एक्सचेंज. ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क से यहाँ पर हमें एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है फॉरन एक्सचेंज में, US डॉलर इन पार्टिकुलर. ठीक है, US डॉलर में भी एक भारी डिमांड यहाँ पर गिरावट देखने को आपको मिल सकती है. ठीक है, इट कैन रिड्यूस द नेट डिमांड ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड US डॉलर. ठीक है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ करेंट अकाउंट रिलेटेड ट्रेड फ्लोज. इट एडेड दैट फ्रेमवर्क वुड ऑल्सो रिड्यूस द नीड ऑफ होल्डिंग फॉरन एक्सचेंज रिजर्व. ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क से क्या होगा, ये आपकी जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व होल्डिंग है, इसमें भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को हो सकता है मिले. ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्चुअली जो बताया गया, ये इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा बताया गया. ओके, सॉरी, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन मूव इजिली अहेड विथ मी. अहेड ऑफ UNGA रेजोल्यूशन ऑन रशियन वॉर, फ्रांस लॉबीज न्यू दिल्ली फॉर वोट. ठीक है, नाउ यहाँ पर आज के दिन हो सकता है आपको UNGA की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिले, आज के दिन ही मिलेगा. ठीक है, और फ्रांस इज इन टॉक टू कन्विंस इंडिया टू शिफ्ट इट पोजिशन ऑन रशियन वॉर इन यूक्रेन ईयर इन टू कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पर वो नहीं है. यहाँ पर UNGA की जो जनरल मीटिंग, जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशन है, वो यहाँ पर चाहते नहीं है कि इसमें वोट करें, वो एब्सटेन ही करें, क्योंकि अगर हम वोट करेंगे तो यहां पर हमें एक डिफरेंसेस देखने को मिलेगा. हम अगर एक साइड को वोट करते हैं तो दूसरा साइड हमसे ऑफ कोर्स नाराज हो जाएगा. ठीक है, तो ये यहां पर एक्चुअली कहा गया है, और हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो हम अभी इस चीज को कर सकते हैं. एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक्चुअली डेवलप्ड हो चुके हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सो दस फार न्यू दिल्ली हैज रिफ्यूज टू वोट फॉर एनी रेजोल्यूशन दैट इज क्रिटिकल ऑफ वॉर. ठीक है, तो यहां पर न्यू दिल्ली ने रिफ्यूज कर दिया है वोट करने से किसी भी रेजोल्यूशन में. ठीक है, चाहे वो UNGA का हो, चाहे वो UNSC का हो. ओके, जैसे कि आपको UNSC, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी वोटिंग हुई है, उसमें इंडिया ने अब्सटेन किया है. ठीक है, एट एन इमरजेंसी सेशन बिगिन ऑन मंडे, सॉरी ऑन वेडनेसडे, ऑल आइज विल बी ऑन हाउ ईच ऑफ 193 कंट्रीज इन UNGA वोट ऑन द रेजोल्यूशन दैट कॉल फॉर टॉक टू बी हेल्ड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर इमरजेंसी सेशन यहाँ पर लाया गया वेडनेसडे के दिन, आज के दिन. ठीक है, और 193 कंट्रीज पे निगाहें रहेंगी कि वो कैसे वोट करेंगी. ठीक है, किसके फेवर में वोट करेंगी, और ठीक है, किसके अगेंस्ट वोट करेंगी. ठीक है, और या फिर अब्सटेन करेंगी. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले अक्टूबर 2022 में यहाँ पर वोटिंग किया गया था. ठीक है, जिसमें 143 UNGA मेंबर्स ने यहाँ पर कंडेम्ड किया था रशिया का एनेक्सेशन टू यूक्रेन. ठीक है, 5 कंट्री है इंक्लूडिंग रशिया, इन्होंने अगेंस्ट द रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया था, और इंडिया अमंगस्ट 35 कंट्री दैट अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग. ठीक है, तो इंडिया के साथ साथ 35 और अदर कंट्रीज थे जो कि वोटिंग से अब्सटेन किए थे. ठीक है, नाउ यहाँ पर कुछ अदर सोर्सेस बताते हैं कि फ्रांस एंड यूरोपियन जो यूनियंस है वो यहाँ पर होप कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो यहाँ पर रशिया गवर्नमेंट को कन्विंस करेगा. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जिससे कहेंगे टू एंड द वॉर, जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा था. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. न्यू दिल्ली के ऊपर सारी की निगाहें हैं. ठीक है, सबकी निगाहें किसके ऊपर है, इंडिया पर है. ठीक है, सो आपको याद रखना, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्रांस इससे बहुत ज़्यादा क्लोज में है. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. ओके, वर्ल्ड सेक्शन में आते हैं. रशिया सस्पेंड्स द लास्ट रिमेनिंग मेजर न्यूक्लियर ट्रीटी विद द US. ठीक है, तो US के साथ जो लास्ट जो आपका मेजर न्यूक्लियर ट्रीटी था उसको यहां पर रशिया सस्पेंड करता हुआ दिखा. ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिक्लेयर्ड ऑन ट्यूसडे दैट मॉस्को वॉज सस्पेंडिंग इट पार्टिसिपेशन इन न्यू स्टार्ट ट्रीटी. ठीक है, ये नया स्टार्ट हुआ था ट्रीटी, एंड द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रोल पैक्ट विद US सॉपिंग अपिंग द एंटी अमिड्स टेंशन विद वॉशिंगटन ओवर द फाइट इन यूक्रेन. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस आपको US को ज्यादा देखने को मिले, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लॉस होगा. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. बिडेन स्वेयर्स बाय नाटो सपोर्ट फॉर यूक्रेन से रशिया विल नेवर विन. ठीक है, तो बिडेन ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है. ठीक है, नाटो को यहाँ पर बताया है कि वो यूक्रेन को यहाँ सपोर्ट करेंगे और इस लड़ाई में रशिया कभी भी नहीं जीत पाएगा. ऑफकोर्स देखिए, जब एक कंट्री को यहाँ पर 500 कंट्री मिलकर दबाने की कोशिश करेंगे
तो आज ना सही, 10 दिन बाद ना सही, लेकिन कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद यहाँ पर वो कंट्री धीरे धीरे दबता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि रशिया अभी तक हार नहीं माना है, लेकिन वो धीरे धीरे टूटता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली जो US प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जी, उनका ये कहना है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो रशियन सिटीजन है उनका यहाँ पर कोई भी कसूर नहीं है। वो यहाँ पर एक्चुअली चाहते हैं कि हम जो नाइबर कंट्रीज है उनके साथ पीस में रहें, ना कि दुश्मनी मोल के रहें। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ टर्की एंड सीरिया रीजन में अगेन एक नया अर्थक्वेक हमें देखने को मिला, जिससे 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 294 लोग क्या है घायल है। ओके, सो ये अब तक का ये दूसरा था। ठीक है, अब इससे पहले आप जानते हैं कि एक आया था अर्थक्वेक जिससे 45,000 लोगों की जान चली गई थी। ओके, सो ये दूसरा अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिला है। 6.4 की इसकी मैग्नीट्यूड बताई गई है। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।